हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सचित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी किस एज में आता है और प्यूबर्टी एज को पहचाना कैसे जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होती है, और वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल, आपस में मेटिंग करते हैं और उनके जैमेट के फ्यूजन से जो बच्चे प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये दोनों का सिंपलेस्ट परिभाषा है। ह्यूमन सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। इस मेथड में मेल रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म फ्यूज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल ओवा से। लेकिन कब कोई भी मेल या फिर फीमेल स्पर्म या ओवा बनाना स्टार्ट करता है या फिर करती है, तो मैं आपको बताता हूं कि जिस एज में मेल स्पर्म या फिर फीमेल ओवा बनाना स्टार्ट करता है या करती है, उस एज को हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं। लेकिन कब कोई लड़का या फिर कोई लड़की प्यूबर्टी एज को गेन करता है या फिर करती है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी स्पेसिफिक एज नहीं होता है, क्योंकि कई बार लड़कियां 9 साल के उम्र में ही अपना प्यूबर्टी एज गेन कर लेती है, 9 साल के उम्र में ही वो ओवा बनाना स्टार्ट कर देती है। और अगर साइंटिफिक एज की बात करें तो ये लड़कियों में 11 साल की उम्र को प्यूबर्टी एज माना जाता है और लड़कों में 13 से 14 साल की उम्र को प्यूबर्टी एज माना जाता है, और मैक्सिमम लड़का या लड़कियों में यही एज में प्यूबर्टी एज आती है। और इस एज को एडोलेसेंट एज भी बोलते हैं। अब ये एडोलेसेंट एज क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो एज होता है ना, उसे एडोलेसेंट एज बोलते हैं। बचपन और जवानी के बीच के एज को एडोलेसेंट एज बोलते हैं। और ये हम कैसे पता करेंगे कि किसी के बॉडी में प्यूबर्टी एज आया है या फिर नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों के बॉडी में कुछ नोटिसेबल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। लड़का और लड़की दोनों के बॉडी में कुछ नोटिसेबल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे और कुछ जो चेंजेस होते हैं ना वो कॉमन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, आर्मपिट में बाल आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर थाइज जांघ के बीच में बाल आना स्टार्ट हो जाता है, ये दोनों बॉडी में कॉमन होता है, लड़का और लड़की दोनों में कॉमन होता है। हाथ पैर में पतले बाल आना स्टार्ट हो जाता है, वाइली स्किन हो जाता है, और वाइली स्किन होने के साथ साथ यहाँ पे पिंपल्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो है दोनों की बॉडी में कॉमन होते हैं, लड़के और लड़कियाँ दोनों में कॉमन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेज हैं जो कि केवल ही केवल लड़कों में होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, फेशियल हेयर, ये जो बियर्ड है, ये दाढ़ी है, ये मूछें हैं, ये केवल ही केवल लड़कों में देखने को मिलती है। और ये जो वॉइस पिच है वो कम हो जाती है, लड़कों में वॉइस पिच कम हो जाती है। तीसरा अगर बात करें तो पेनिस जो होता है वो इरेक्ट हो जाता है और इनलार्ज हो जाता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और पेनिस बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, बाकी आप समझ जाइए। सेम इसी प्रकार कुछ जो चेंजेज है केवल ही केवल लड़कियों में देखने को मिलती है, जैसे ब्रीथ साइज बढ़ जाता है, और निप्पल के टिप पे जो स्किन कलर होता है वो डार्क हो जाता है, और तीसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है लड़कियों में। और ये जो सारे चेंजेज है ना, लड़के में हो या फिर लड़कियों में हो, ये जो सारे चेंजेज है वो धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं होता है कि अचानक एक दिन में ही ये सारे चेंजेज हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये सारे चेंजेज धीरे 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 होता है, और इसका कोई एग्जैक्ट एज नहीं होता है। ये हार्मोन लेवल और उस व्यक्ति का जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। और जिस प्रकार आदमी अलग अलग होता है, मतलब जिस प्रकार ह्यूमन अलग अलग तरह के होते हैं, उसी प्रकार सेक्सुअल कैरेक्टर भी डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन, जैसे हाइट में किसी का अलग है, किसी का वेट अलग है, नो साइज सबका डिफरेंट होता है, स्किन कलर डिफरेंट होता है, उसी प्रकार सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे लड़कियों में जो ब्रेस्ट साइज है सबका डिफरेंट होता है, लड़कों में पेनिस साइज डिफरेंट होता है, बियर्ड किसी के प्योरिटी एज आने के बाद भी बियर्ड किसी में नहीं आई होती है, किसी में मूछे नहीं आए होते हैं, तो ये सबका डिफरेंट होता है, ठीक है, सेम नहीं होता है। और ये प्योरिटी में जो चेंजेज होते हैं ना, वो रिप्रोडक्शन और चाइल्ड बर्थ में मदद करते हैं। जैसे ये फेशियल हेयर किसी भी इंडिविजुअल का सेक्सुअल मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। पेनिस, वहीं पर जो पेनिस इरेक्ट होता है, मैं पेनिस बता चुका हूँ, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो पेनिस जो इरेक्ट होता है वो मेटिंग और मेल जैमेट की ट्रांसफर में मदद करता है। वहीं पर अगर बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो ओवुलेशन के लिए बात मदद करते हैं, और ब्रीस्ट का जो अपीयरेंस होता है, ब्रीस्ट का जो साइज बढ़ता है, उसमें मिल्क फीडिंग, बच्चे को जो मिल्क फीडिंग होता है उसमें मदद होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।